प्यारे प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान करके शुरू करते हैं। टी टाइम के लिए मुझे एक चीज़ बनाने को दिल चाह रहा था, बहुत आसान भी हो, बहुत इजी भी हो और बहुत क्विक भी हो और मज़ेदार भी हो। इसके लिए क्या है, वही हमेशा की तरह दो तीन इतने बड़े बड़े आलू थे वो मैंने बॉयल करके इसको रख लिया ताकि ये ठंडा हो, ठीक है ना। मुझे आलू के ही स्नैक्स बनाने हैं, होंगे बहुत मज़ेदार, मगर इसके लिए ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स मुझे नहीं चाहिए होगा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर ये काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है। और मैंने अभी मेरे पास घर में वो चिली फ्लेक्स नहीं था, जो मैंने देखा तो डब्बा खाली था, मैंने शॉपकीपर को बोला है, उसी का वेट भी कर रही हूँ मैं। ये देखिए टेबल स्पून है, मगर ये फुल नहीं किया मैंने, थोड़ा सा और डाल देती हूँ चलो चटपटापन लाने के लिए, ठीक है। ये देखिए ये टेबल स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्चें डाल रही हूँ। तो ये इस तरह से बनाऊँगी, बहुत ईजी बनेगा और बहुत मज़ेदार भी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डालना है, बहुत ही बारीक कटा हुआ खूबसूरती के साथ। ये देखिए मैं काट के इस तरह से रखती हूँ, मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ। अच्छा, और इसके लिए मुझे चाहिए कॉर्नफ्लोर, जिससे इसकी बाइंडिंग होगी, ठीक है, और उसको तलने में आसानी होगी। मैं 3 टेबल स्पून ले रही हूँ, ये देखिए, एक, दो और ये 3 ही है मेरे ख्याल में, ये ख़त्म है। ये देखिए ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया मैंने इसकी बाइंडिंग के लिए। और इसमें मुझे चाहिए नमक, मैं आपके सामने ले रही हूँ, आप अपने चाचा के मुताबिक ले लीजिएगा। और मैं अभी, मुझे अभी तक वो शॉपकीपर नहीं आया है, तो इसमें मुझे चिली फ्लेक्स डालना है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं इसमें रेड चिली पिसी भी डाल देती हूँ थोड़ी सी, जब तक शायद वो आ जाए तो मेरा काम बन जाए। ये देखिए ये मुझे चिली फ्लेक्स चाहिए था, लेकिन मैं थोड़े से इसके अंदर ये लाल मिर्चें पीसे भी डाली हूँ, हो सकता है वो आ जाए तो फिर मैं आपके सामने चिली फ्लेक्स भी डाल के दिखाती हूँ। और इसके बहुत ही खूबसूरत से एक शेप दूंगी मैं, आप देखिएगा और कितने मज़े का ये बनेगा। अब इसको मैं, आलू ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको आपस में बाइंडिंग करती हूँ और बहुत अच्छा सा मिक्स कर देती हूँ, अल्लाह करे वो शॉपकीपर भी आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है आपके जहन में होता है कि चीज़ें सारी घर में मौजूद हैं, लेकिन जब आप काम करने के लिए खड़े होते हैं तो पता चलता है कि जो डब्बा खाली है। और फिर अब सारी चीज़ें मैं तैयार कर चुकी थी, मैंने कहा चलो अगर चिली फ्लेक्स नहीं आता है तो मैं इसको पिसी भी लाल मिर्चों से बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कॉल करनी पड़ती है हमें, हम तो मेड को भेजें, यहाँ की मेड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं, उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये देखिए मैंने रेड चिली से इसको डाल दिया, अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये जैसे ही मिक्स होता है फिर इसको क्या शेप देना, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इतने छोटे छोटे से शेप्स बनाए ताकि खाने में वन बाइट में आ जाए, उसको थोड़ा सा कलरफुल सा करने के लिए ये देखिए थोड़ा सा इसको खूबसूरत सा शक्ल बना दे रही हूँ। मैंने 4-5 बना के रखे कि मैं आपके सामने इसको बनाती हूँ। ये देखिए सबको मैं नाइफ या कांटे से, मैं इसकी फोक से इसको थोड़ा शेप में दे दियाती हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर रखा हुआ है, मैं उसको चेंज करती हूँ, उसको इस शेप में लाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें मैंने इसकी बाइंडिंग करके, ये मैंने बाइंडिंग करके रखी है, अब इसके मुसलसल मैं सारे कबाब बनाती जाऊँगी और इसमें डालती जाऊँगी। ये देखिए, और ये जो मैंने बना के रखा है ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे शेप में आए, इसको भी टच नहीं करना है ताकि ये देखिए ये शाम की चाय के लिए मैं बना रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर भी करती जाती हूँ और इसको मैं बना रही हूँ आपके सामने। तो शाम की चाय के लिए जब आपकी ज़रूरत हो कि भाई हमें चाहिए कुछ ना कुछ बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उबाल के आलू को रख लीजिएगा और फौरन इसको पलटना नहीं है वरना ये ख़राब हो जाएगा। और मुसलसल और मैं दूसरा बना के रख रही हूँ आपके सामने ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं ये देखिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये छोटे छोटे से ये मैं बना बना के रखूँगी ताकि जब
बच्चों को चाहिए होगा, जैसे जैसे वो चाय के साथ चाहेंगे मैं गरम गरम उनको तल के दूंगी। बना के मैं सब आपके सामने रख रही हूँ, ये देखिए। और इसको इस तरह से शेप देना है मुझे, ये देखिए। बहुत ही आसान है, मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना लीजिएगा चाय के लिए। ये देखें, इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़े के होंगे। मैंने कहा और बच्चों के लिए बना देती हूँ, मेरी तो खुद रोज़ हर रोज़ कोई ख्वाहिश होती है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना दें। मैंने कहा बनाते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं जो चीज़ें आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बताती हूँ वो आपको कैसी लगी। और मुझे तो इस बात का यकीन होता है कि मेरे चैनल में जो भी बनाती हूँ ये चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं। तो ये अब मैं इसको पलट रही हूँ आपके सामने, ये देखिए बिस्मिल्लाह। तो इसको बाइंडिंग के लिए मैंने कौन फ्लोर दिया था, देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग हुई है इसमें। और कुछ नहीं अंडा लगाया मैंने, कुछ भी नहीं बनाया। ये देखिए क्या अच्छी शक्ल आ रही है। देखिए जब ये तैयार होते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी दिखाऊंगी। और इसको मैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसको मैं इधर रख रही हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। खाने में बहुत मज़ेदार हैं, बहुत टेस्टी हैं। अपने बच्चों को रोज़ कोई ना कोई डिफरेंट सी चीज़ बना दिया करें, बच्चे खुश हो जाते हैं। और अल्लाह ताला हम सब के लिए उसमें बरकत दे, तरक्की दे और खैर आफियत और खुशियों वाली ज़िंदगी दे। ये देखिए थोड़ा सा और हो जाए तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रिप, अभी एक ट्रिप बना रही हूँ वो मैं बच्चों को देने जा रही हूँ, फिर मैं बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसको केचप और उसके साथ। अब ये देखिए जो बकरियाँ हैं वो सारे मैं आपके सामने ही बना बना के ऑयल में डालती जा रही हूँ। देखिए ये मैंने पेड़े बना के रख लिए थे, ज़रूर बनाइएगा चाय पे। और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें जो घर में मौजूद भी हों और इस महंगाई के ज़माने में हर काम बहुत आसानी से भी हो जाए कि आपके घर की चीज़ों में आप अपनी बहुत मज़े की चीज़ें अपने बच्चों को और लाइट फूड बहुत ही परेशानी वाली या बहुत मसाले वाली या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बाज़ार से मंगा के खाते हैं उससे बेहतर है हम अपने बच्चों को फ्रेश खाना घर से बना के खिलाएं, फ्रेश चीज़। और शाम की चाय के लिए भी ये बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो दाल चावल के लिए भी बना के रख दें। ये देखिए और फौरन इसको चम्मच में पलटिएगा, ठीक है, वरना ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ये देखिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बनाना बहुत आसान है। बस मैंने कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि मेरे शॉपकीपर आया ही नहीं आता, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लैक काली मिर्ची और लाल मिर्चों से ही बना देती हूँ, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा ये बन रहा है। बस इस तरह ये बनता रहेगा और हमेशा की तरह मेरी आपसे यही दुआ है कि हमेशा दुआओं में याद रखिए और खाने में जिद्दत पैदा कीजिए और मोहब्बत से खाना बनाइए। जितना मोहब्बत आपके हाथों में होगी, आपके दिल में होगी अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उतना ही आपके खाने में लज्जत होगी। मैं हर खाने पे जब बनाती हूँ तो ज़रूर आपको यही बताती हूँ कि खाना मोहब्बत से बनाइए, खाने की लज्जत मोहब्बत है। और हमेशा आसान रेसिपी कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाइए, बहुत मज़ेदार होती है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम बहुत सारा सामान अंदर डालेंगे, मसाले डालेंगे, इन्ग्रीडियंट डालेंगे तो ये अच्छे होंगे। कभी कभी बिल्कुल सिर्फ नमक और लाल मिर्चों से भी कोई चीज़ बना लें हम तो बहुत ही मज़े की होती है। ये देखिए अभी थोड़ा सा उसमें लाल रंग आ जाए तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। फिर आपने देखा कितनी अच्छा शेप आया है, कितनी अच्छी शक्ल आई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और इसी तरह से अपने बच्चों को, अपने लोगों को दावतों में भी आप बना सकती हैं। बहुत ही हल्की सी स्नैक्स है टी टाइम के लिए और शाम की दावतों के लिए, बहुत ही मज़ेदार। देखिए अभी इसको मैं आपके सामने पलटती हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही पता हो कि देखें मैंने एंड तक जो बनाया तो कैसा बनाया। ये देखिए अब मैं इसको एक एक करके पलट दूँगी आपके सामने। ये देखिए बहुत ही हल्का कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ज़्यादा अगर आप ब्लैक कर देंगे, तल देंगे तो नेक्स्ट की शक्ल ख़राब हो जाती है। तो हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ
आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसी तरह बनाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।